हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मोशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर थर्ड के सॉल्यूशन के बारे में। अगर इससे प्रीवियस वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोज का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कम्प्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है। अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल, है ना, अब्दुल स्कूल जा रहा होता है। कंप्यूट द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप इज टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब वो स्कूल जाता है अपने घर से तो उसका जो एवरेज स्पीड है वो हमें यहाँ पर गिवन है, डेट इज 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट देर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वो सेम रूट से फिर घर आता है लेकिन इस बार उसको ट्रैफिक कम मिलता है जिसके कारण उसका एवरेज स्पीड बढ़ जाता है और 20 से वो 30 हो जाता है। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, यानी कि अब्दुल के ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड हमें बताना है। तो एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ पर मेंशन नहीं है, हमें यहाँ पर टाइम भी मेंशन नहीं है, हमें तो बस स्पीड मेंशन किया गया है कि 20 किलोमीटर जाने का है और 30 किलोमीटर पर आवर आने का है। ठीक है। तो चलो इस बेसिस पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि यहां से जा रहा है और आ रहा है तो सेम रूट से आ रहा है जा रहा है, मतलब डिस्टेंस तो सेम होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस बी एक्स, है ना। हमने मान लिया कि डिस्टेंस क्या होगा, डेट इज वो एक्स किलोमीटर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया कितना, डेट इज एक्स किलोमीटर। ठीक है। और अगर हमें टाइम निकालना है पहले वाले ट्रिप के लिए, हम लोग इसको बना ले रहे हैं क्या, डेट इज केस वन, है ना। क्या बना रहे हैं, केस वन, केस वन, है ना। केस वन में क्या होगा, अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। यही होता है, डिस्टेंस टोटल कितना है तो एक्स किलोमीटर है और जाते टाइम स्पीड कितना है, 20 है। इसको हम लोग बोल दे रहे हैं टी वन, यानी कि ये जाने का है। तो इस बेसिस पे टी वन कितना निकल कर आया, टी वन आया एक्स बाय 20। ठीक है। इसमें तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कि कैसे ये हमारा x बाय 20 निकल कर आया, ये कौन सा टाइम है, ये बस जाने का टाइम है। उसी टाइप से अगर हम लोग ले लें यहाँ पर केस टू, है ना, क्या ले रहे हैं, केस टू ले रहे हैं। तो केस टू में अगर हमें टाइम टी टू निकालना है यानी आने का टाइम निकालना है तो यहाँ पर भी टाइम इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, डेट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस टोटल कितना है, एक्स डिस्टेंस है और स्पीड टोटल कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस बेसिस पे टी टू निकल कर आया कितना, एक्स बाय 30, एक्स बाय 30 ये हमारा निकल कर आया क्या, टी टू, है ना। तो T1 हमने देखा x by 20 और T2 हमने देखा कितना, that is x by 30। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास टोटल डिस्टेंस है x जाने का, x आने का और टोटल टाइम भी गिवन है, T1 और T2 भी हमारे पास है। बस अब हमें क्या कर देना है, सिंपल फॉर्म में फॉर्मूला पे पुट कर देना है। तो आ जाओ इसके नीचे में हम लोग इसका सारा का सारा वर्क करते हैं। ठीक है, यहां पर करते हैं। नाउ हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है। टोटल डिस्टेंस जाने का था x, आने का भी हुआ x, हुआ ना, जाने का भी सेम ही डिस्टेंस होगा ना जो आने का भी होगा। ठीक है। तो x और x आने जाने का टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम, जाने के लिए टाइम लगा था x बाय 20 प्लस आने के लिए टोटल टाइम लगा था x बाय 30। बस सॉल्व कर दो, आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा, है ना। आ जाओ नीचे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ऊपर में कितना हो गया, x और x, दैट इज 2x, 2x डिवाइडेड बाय 20 और 30 का एलसीएम, दैट इज 60। तो ये कितना हो गया, दैट इज 3x और ये कितना हो गया, दैट इज 2x, है ना। कितना हो गया, 2x हो गया। तो ऊपर हो गया कितना, दैट इज 2x और नीचे हो गया 3 to 5x और डिवाइडेड बाय कितना, 60। x से x हमारा जो है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सिंपल फॉर्म में यहां पर अगर आप इसे कंप्यूट कर दो ना, आंसर निकाल दो कितना आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 2 बाय 5,
60 चला गया ऊपर, तो ये हो गया 65 के टेबल में 12 टाइम्स, और 12 टू जा तो बच्चा भी बता देगा कि 24 होता है ना, तो इक्वल्स टू कितना 24। एवरेज स्पीड है यानी कि किलोमीटर किलोमीटर पर आर, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये सारा का सारा पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। बस सिंपल सा है, सबसे पहले डिस्टेंस को हमने एक्स लिया, फिर उस बेसिस पे जाने का टाइम निकाल दिया, आने का टाइम निकाल दिया, फिर हमने एवरेज स्पीड निकाल दिया, टोटल डिस्टेंस जो कि एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और टोटल टाइम यानी एक्स बाय 20 प्लस एक्स बाय 30 सॉल्व कर दिया, और सिंपल फॉर्म में हमारे पास एवरेज स्पीड जो है वो निकल कर आ गया। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4th के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। हो सकता है जब अब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक सारे के सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हों, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।